असाइनमेंट है, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो थानू वाई दिती है ना, वो है वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट और एक्स है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हुण बेटा थानू इत्थे ना डिफरेंट टाइम्स दे लई वाई दी वैल्यू दिती हुई है, तो जीरो टाइम ते एट जीरो टाइम y की वैल्यू गिवन है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और एट टाइम 2 सेकंड y की वैल्यू है 1 ओवर 1 प्लस दिस वन। हुण तुसी किस तरह इस नू स्टेटमेंट नू इंटरप्रेट करना, देखो बेटा तो जिहड़ी थोड़ी वेव है वो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है, और एक गल आज तो बाद तुसी नोट कर लेनी है कि अगर कोई भी वेव प्रोपोगेट हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है उदे विच बेटा थानू जिथे भी हुण एक्स माइनस वन बेसिकली इनू इक्वेट के नाल करना, तो तुसी याद रखो कोई भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव जिहड़ी है उहदे विच बेटा एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आएगी प्लस माइनस वी टी। तो मतलब वेव इक्वेशन दे विच जो एक्स है उहदे नाल प्लस माइनस वी टी ऐड होएगा, प्लस माइनस वी टी होएगा। हुण जदों तुसी क्योंकि इहदे विच जिहड़ा एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है क्योंकि टी जीरो है, तो जदों आपां टी जीरो पुट करदे हां तो कल्ला एक्स रह जाएगा, पर इत्थे बेटा एक्स दे नाल माइनस वन है, तो जदों आपां इन्हां दोनों नूं इक्वेट करांगे तां तुसी देख रहे हां कि वी टी इज इक्वल टू 1 और ए जी 1 है इस वेले टाइम 2 सेकंड है, तो t इज 2, तो v इज इक्वल टू हाफ मीटर पर सेकंड। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के नाल इक्वेट करके असी रिजल्ट निकाल सकते। और अगर थानू उसने पूछा होए इसे ही स्टेटमेंट दे विच कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो y है ना वो डिस्प्लेसमेंट दी वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट दी मैक्सिमम वैल्यू नू एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो तुसी इत्थों भी चेक कर सकते हैं बेटा इत्थों भी कि y मैक्सिमम कदों होएगा जदों ये स्क्वेयर वाली टर्म जीरो होएगी, तो जदों ये स्क्वेयर वाली टर्म जीरो है देन y वुड बी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम y इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो इहदा मतलब इस न्यूमेरिकल च चाहे तुहानू नहीं पुछया गया बट एम्पलीट्यूड कितना वा वाई मैक्सिमम 1 दे बराबर है, तो इस न्यूमेरिकल दे विच वेव दा एम्पलीट्यूड 1 मीटर है और वेव वेलोसिटी दी वैल्यू हाफ मीटर पर सेकंड। मतलब इस तरीके नाल तुहानू इंटरप्रेट करना पड़ेगा सिचुएशन। तो ये गल समझ आ रही है बेटा अंकुर एकम? यस सर। अर्शिया गुलाटी? यस सर। अर्शिया गर्ग? यस सर। अच्छा बेटा जे हम देखो टाइम थोड़ा रह गया वा, अगर थोड़े कोई किसी तरह के भी डाउट्स है तो टाइम लेके तुसी आ सकते हो उधर, है ना। पिछले सारे प्लस वन प्लस टू वाले जो टॉपिक्स हो चुके हैं, तो अगर उन्होंने रिवाइज करते हुए कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो तुसी टाइम लेके आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो इस गल का। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 360 मीटर पर सेकंड, हाउ फार अपार्ट आर द टू पॉइंट्स 60 डिग्री आउट ऑफ फेज। मतलब हुण ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूले
ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੇਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਐਮ ਵੇਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਵੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੋ ਅਗਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਡਾ ਹੈ ਤੋ ਫੇਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੈ ਤੋ ਫੇਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਂਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਂਡਾ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫੇਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਥ ਆਰ ਗਿਵਨ ਤੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 500 ਹਰਟਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 360 ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਬਡਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਨਿਊ ਤੋਂ ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਬਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਰੇਡੀਅਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏ ਔਰ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਹੈ 1 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਲੈਂਬਡਾ ਟੀ ਸੋਰੀ ਤੋ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਤੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਮਾਲ ਟੀ ਤੋ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਟੀ ਇੰਟੂ ਤੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਔਰ 4th ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਪ ਆਫ ਲੈਂਥ 12 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਮਾਸ 6 ਕੇਜੀ ਹੈਂਗਸ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਰੋਮ ਏ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਬਲੋਕ ਆਫ ਮਾਸ 2 ਕੇਜੀ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦਾ ਫਰੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰੋਪ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲਸ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ 0.06 meter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top of rope? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਹੋਏਗੀ ਤੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਰੋਪ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ
ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੀ ਜੋ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ ਮਿਊ। ਤੋ ਟੀ ਬੇਟਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਤੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਸ ਤੇ ਲੈਂਥ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋਪ ਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ, ਦੈਟ ਇਜ 6 ਕੇਜੀ। ਲੈਂਥ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 12 ਮੀਟਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਸ ਆਫ 2 ਕੇਜੀ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ 0.06 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਵ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਇਰਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਬੇਟਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਮ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੇਟ M plus M। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਨੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮਾਸਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ? ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਬਾਈ ਲੈਂਡਾ, ਸੋ ਹਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਲੈਂਡਾ ਡੈਸ਼, ਔਰ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਲੈਂਡਾ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਬਾਈ ਲੈਂਡਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲੈਂਡਾ ਡੈਸ਼ ਨਿਕਾਲਣਾ ਨਾ, ਲੈਂਡਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਡਾ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਡਾ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਵੀ ਲੈਂਡਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਟੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਿਮੀਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਪ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਹੈਂਗਸ ਫਰੋਮ ਏ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਸਪੀਡ ਆਫ ਰੋਪ ਵੇਵ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਰੋਪ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 0.5 ਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੋਪ ਹੈ, ਤੋ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੋਂ 0.5 ਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੋਗੇ,
ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਪ ਗਿਵਨ ਹੈ 2.45 ਮੀਟਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.1 ਕੇਜੀ ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੈਂਡਿੰਗ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਐਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੋ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ तो टेंशन आ जाएगी mg तो आप इसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं अंडर रूट बाय दिस वन तो आ थोड़ा आंसर आएगा मतलब इधर मैकेनिक्स का कांसेप्ट भी आ गया प्लस बेटा उन्हें सेकंड पार्ट की बोलिया कहता कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रांसवर्स वेव टू ट्रैवल द फुल लेंथ ऑफ रोप हुण गल नूं सुणो पुत जदों वेव नीचे तों उपर जाएगी तो आपां टाइम टेकन निकालना हुण तुसीं गलती की करदे आ तुसीं की गलती करनी है कि तुसीं टाइम टेकन डिस्टेंस ओवर स्पीड तों निकाल लैणा पर गलती क्यों मैं बोल रहा हूं क्योंकि पुत्र जदों वेव नीचे तो ऊपर जा रही है तब पूरे रास्ते उसकी स्पीड सेम नहीं है वेव वेलोसिटी सेम नहीं है क्योंकि इथे टेंशन जीरो है तो जितना-जितना वेव ऊपर जा रही है टेंशन दे इंक्रीज करन दे नाल वेव वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है तो इस कारण करके इथे बेटा असी की करेंगे कि मान लो अपन आ एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया at distance x तो इस point पे जो velocity है that is equal to dx by dt तो dx कितना आ गया बेटा v dt हुण तुहानू करना की पैना तो इस point की velocity तुसी कितना निकालोगे बेटा पहला तो आपा निकाली सी ना 0.5 put करके हुण आपा ये general word x select कीता तो हुण इहदे अकॉर्डिंगली आ x बनेगा तो वेव वेलोसिटी की बनेगी mg तो इथों आपा वैल्यूज पुट करांगे तो टेंशन दी जगह तो स्मॉल m की जगह वो तो कैंसिल आउट हो जाने ना वाले तो इट मींस आपा इथे v दी जगह की लिख सकते हैं x दी पावर हाफ g दी पावर हाफ dt तो इथों बेटा dt निकालांगे आपां और आता 0 टू t बन जाएगा हुण इथे x 0 है बेटा और इथे तक दा x कितना हो गया तो वो लिमिट्स ले के तुसी सॉल्व कर सकदे एकम अंकुर अर्शिया गर्ग अर्शिया गुलाटी तेरी साउंड नहीं आ रही बेटा अर्शिया फिर देखो बेटा
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो एक कंसेप्ट में है पिक किया हुआ बीट्स तो ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी व्हेन साउंडेड टुगेदर विद अनदर ऑफ फ्रीक्वेंसी Hertz, it gives beat frequency 4 beats per second. तो एक unknown frequency भी source है, एक known frequency भी source है, दोनों में जो तो sounded together तो beat frequency बन रही है 4 beats per second. उनकता तो हमें थे beats का concept भी याद आना चाहिए था कि beat frequency हमेशा की होएगी बेटा जिहड़ियां दो सोर्सेज है उन्हां दी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पर मॉड. मॉड दा मतलब डिफरेंस मींस अगर ए ज्यादा वा तो न्यू ए माइनस न्यू बी, अगर ए ज्यादा तो न्यू बी माइनस न्यू ए, तो दोनों तरह ना मॉड लिख सकते हैं, है ना. तो ए है 4 इहदा मतलब आ ऑप्शन जिहड़ी आ रही है साडे कोल ए वाली ऑप्शन 260 भी हो सकती है या 252 भी हो सकती है. मतलब जेडी अननोन फ्रीक्वेंसी है तो पहली सिचुएशन दे अकॉर्डिंगली उदी वैल्यू दो ऑप्शंस आ रही है पर दोनों चो होएगी ता इक्वल ट्रू, तो ओदे लिए सानू नेक्स्ट कंडीशन वाल शिफ्ट करना पड़ेगा. व्हेन लोडेड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वैक्स इट इज अगेन फाउंड टू गिव 4 बीट्स. ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੋਨ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਹੈ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 260 ਤੇ 252 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 260 ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰੀਏ 259 8 7 6 5 4 3 2. तो इहदा मतलब, तो अगर अपन मान के चलिए कि इहदी फ्रीक्वेंसी है 252, तो फिर लोड करते 51 50 49 48 ही होनी है. मतलब अगर 252 एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो लोड करते दी वैल्यू 252 तो घटन करके एदी और एदी बीट फ्रीक्वेंसी पहले नालों इंक्रीज करनी चाहिए, डिफरेंस जेड़ा 4 तो ज्यादा होएगा. पर लोड करने तो बाद अगर एदी फ्रीक्वेंसी 260 है तो फिर दोबारा 252 हो सकती है, मतलब एदा और एदा बीट फ्रीक्वेंसी फिर दोबारा आफ्टर लोडिंग 4 आ सकती है. सो एदा मतलब तो एक्चुअल वैल्यू जेडी है वो सिलेक्ट होनी है 260 हर्ट्ज. तो इस तरीके ना आपनु दो कंडीशन तो एक्चुअल वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी. तो देखो इथे तक कोई डाउट बेटा? अच्छा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. ए सोनोमीटर वायर हैज ए लेंथ ऑफ 114 सेंटीमीटर बिटवीन द टू फिक्स्ड एंड्स, वेयर शुड टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड सो एज टू डिवाइड द वायर इनटू 3 सेगमेंट्स हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:4. देखो बेटा, सोनोमीटर जो है ना इहदे विच इक स्ट्रेच्ड वायर है. हुण ए जिहड़ी वायर है इहदी टोटल लेंथ थानू गिवन है 114 सेंटीमीटर. हुण इस स्ट्रेच्ड वायर नू आपां दो
स्क्वायर को आपां तीन पोर्शंस दे विच डिवाइड करता हुण इह तीनों पोर्शंस जिहड़े है इहनां दे विच वेव वेलोसिटी तां सेम होएगी वेव वेलोसिटी च फर्क नहीं होना तो हुण आ जिहड़े तीन पोर्शंस है इहनां दे अंदर की बणनगीआं स्टैंडिंग वेव्स बणनगीआं स्टेशनरी वेव्स तो ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ 1 ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਊ 2 ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਊ 3 ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1:3:4 ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ अगर आप इन जीरो मान लीजिए तो आ एल वन आ गया और आ वाला ब्रिज एल टू हो गया ना हुण तुसी एल वन एल टू एल थ्री दी रेशो केड़े अकॉर्डिंगली लेनी है तो थानू याद रखना पैना कि जिहड़ी स्ट्रेच्ड वायर है तो स्ट्रेच्ड वायर दे अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 1/2L अंडर रूट टेंशन ओवर म्यू है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर 1/2L इनटू रूट टी बाय म्यू है तो हुण क्योंकि आ सेम स्ट्रिंग है जेडी की थ्रू आउट एक्सटेंडेड है तो टेंशन और म्यू ता सेम रहनी है इट मींस फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है या L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो इट मींस लेंथ दी रेशियो की आ गई 1:1/3:1/3 और ए बन जानी है 12:4:3 तो हुन ए एल वन एल टू की रेशो आ गई तो इस रेशो दे विच है तो उत्थों तुसी एल हाँ गिवन है तो हुन ए दे अकॉर्डिंगली 12L+4L+3L=L निकाल के बेटा ਤੁਸੀਂ L1 ਔਰ L2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ L3 ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀਆ ਗਰਗ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਅੰਕੁਰ गुलाटी ठीक है हुन टेस्ट हो गया सी बेटा इस संडे रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दे विच भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीजेस बाय 6 हर्ट्ज इफ इट्स टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 44% कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट मतलब सोनोमीटर वायर दी जो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको निकालने का फार्मूला मैं ऑलरेडी आपके सामने लिख चुका ना तो ए मास पर यूनिट लेंथ है तो ए टोटल मास से टोटल लेंथ आ गया ना हुन वो की कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज इंक्रीज हो जाएगी अगर टेंशन को कितना इंक्रीज कर दी है 44% मतलब जो नई टेंशन है वो टी प्लस तो तुसी आ रेशो लेके
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो आ रेशियो लेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। वो कह रहे हैं फाइंड द चेंज इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% कीपिंग द ओरिजिनल टेंशन। तो हुन बेटा तो आ ओरिजिनल केस है कि मतलब टेंशन को इंक्रीज करके आया सी केस। हुन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपन निकाल चुके हैं, हुनो की कह रहा कि असि लेंथ नु की कीता 20% इंक्रीज करता बेटा। हुन जदों तुसी लेंथ नु इंक्रीज करता तो नवी फ्रीक्वेंसी आ गई। हुन आ डेल्टा न्यू की वैल्यू कढ़ना गया अपन, तो ये तुसी इदा भी कर सकते हैं नवी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश 1 ओवर 2। तो l कितने परसेंट इंक्रीज कीता 20%, तो l प्लस 20 बाय 100l अंडर रूट टेंशन वही है बेटा, मास भी वही है, बट लेंथ जिहड़ी है वो इंक्रीज कर दी गई है। अच्छा इत्थे विच इक होर गल दा ख्याल रखना तुसी, तो जदों आपां लेंथ नू इंक्रीज करांगे तां मास भी ऑटोमैटिकली इंक्रीज करेगा, तो मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा। मींस आ वाली लेंथ जे इंक्रीज करेगी तां मास भी 20% इंक्रीज करेगा। इस करके आपां आ वाला जिहड़ा l है इहनू नहीं चेंज करना, तो ए वही सेम रखनी है, इहनू आपां म्यू लिख सकदे हां, क्योंकि तुसी वायर दी अगर लेंथ नू इंक्रीज करोगे तो ऑटोमैटिकली मास भी इंक्रीज करेगा, तो मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा। इहदे च थोड़ा ध्यान रखना ना, तो आ रहेगा। तो हुण इथों न्यू डैश ओवर न्यू दी वैल्यू तुसी निकाल सकते हैं, तो आ वाली वैल्यू आ गई तुहाडी 1 ओवर 2 6l / 5। हुण तुसी ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं पहले स्टेप तो, द न्यू डैश मतलब नवी फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। तो नवी फ्रीक्वेंसी अगर पता लग गई, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी असी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं जदों लेंथ चेंज होएगी कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट। तो ये स्टेप्स है, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इसके विचों, बस फार्मूलाज एप्रोप्रिएट लगाने आने चाहिए। फिर बेटा तो कल नु भी पुत्र सेम टाइम पे क्लास होएगी तुहाडी तीन तो, है ना, असाइनमेंट डिस्कस कर लांगे। अगर तुहाडे कोई डाउट्स है तो तुसी आ भी सकते हो ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्प्रिंग अंडर ए टेंशन ऑफ 129.6 न्यूटन प्रोड्यूसेस बीट्स 10 बीट्स per second when it is vibrated along a tuning fork। तो tuning fork की frequency new है। तो when the tension in the spring is increased to 160 newton, it sounds in unison with the same tuning fork। Calculate the fundamental frequency of the tuning fork। तो हुण देखो बेटा, जदों सोनोमीटर वायर दी स्ट्रिंग जिहड़ी है ओहदी टेंशन इन्नी है, तां इहदी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की होएगी 1 ओवर 2l अंडर रूट टी बाय म्यू। और जदों टेंशन नूं आपां चेंज करके करता 160 न्यूटन, तां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किन्नी चेंज हो गई डैश बाय म्यू। खुद जिहड़ी वायर है जदों उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तां आ फ्रीक्वेंसी इहदे नाल जो बीट्स बना रही है वो है 10 बीट्स पर सेकंड, मतलब इन्हां दोनों का डिफरेंस 10 है। पर जदों टेंशन 160 हो गई तो आ वाली फ्रीक्वेंसी इट इज इन यूनिसन विद दिस वन, मतलब कहता कि जदों आ वाली फ्रीक्वेंसी इहदे बराबर हो गई तो दोनों बराबर है, यूनिसन मीन सेम होगी। तो इट मीन्स
टी डैश आ टेन। तो हम इतनों थानों की करना पड़ेगा, तो इतनों बेटा तुसी 1 ओवर 2 एल अंडर रूट म्यू दी वैल्यू निकाल के ना एक्चुअली तुसी की कर सकते हैं ये जी, ये तुसी दोनों साइड्स नो इधर नाल आप एक्चुअली ना निकालना क्या हुआ है ओरिजिनल आ वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आ फ्रीक्वेंसी निकालनी और आ टेंशन थानों दिखती हो रही है, तो इट मींस आ फ्रीक्वेंसी निकल आएगी जेकर सानू 1 ओवर 2 एल अंडर रूट म्यू दी वैल्यू मिल जाए जो कि इथों मिल जाएगी। तो इथों 1 ओवर 2 एल रूट म्यू दी वैल्यू निकाल के ओए विच पुट कर दांगे तो सानू फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी क्योंकि टेंशन दी वैल्यू 129.6 गिवन है, मतलब ये कैलकुलेशन पे बेस्ड सारा न्यूमेरिकल है तो ओदे करके इंपॉर्टेंट।